सबसे पहली बात, आज के इस वीडियो में अपन जिस टेक्नोलॉजी की बात करेंगे वह कोई हवा हवाई बात नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा लग सकता है कि मैं लंबी लंबी फेंक रहा हूँ, पर यह सब रियल है। एक बैटरी जिसकी लाइफ 100 ईयर्स है, और इसका मतलब यह नहीं है कि यह 100 ईयर्स तक खराब नहीं होगी। इस 100 ईयर्स का मतलब है एक बार चार्ज करने के बाद में यह बैटरी 100 ईयर्स तक चलेगी। और एक कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है NDB, उसने ऐसी बैटरी बनाई है कि उसकी लाइफ 28,000 ईयर्स तक है। यानी इस बैटरी को पूरा डिस्चार्ज करने के लिए हमें इस अर्थ पर 400 बार जन्म लेना होगा। बताओ, तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि यह जो बैटरी है, सबसे पहले तो यह अपने पास में कब तक पहुंच जाएगी, और इसके साथ में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, और यह कैसे काम करती है, और यार ऐसा पॉसिबल कैसे है, तो यह सब पूरा कवर करेंगे इस वीडियो में। तो बस ध्यान से सुनते रहो। तो यह जो बैटरी है इसका नाम है न्यूक्लियर बैटरी। सबसे पहले मैं आपके बेसिक फंडामेंटल क्लियर कर देता हूँ। यह जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं उनमें होता यह है कि उनकी एनर्जी तो निकल जाती है, लेकिन उसके बाद में इनकी रेडियो एक्टिविटी का इफेक्ट कई हजार सालों तक हमारी अर्थ पर रहता है। जैसे जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पे जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए थे, तो वहां पर आज भी रेडियो एक्टिविटी का इफेक्ट है। तो यह जो रेडियो एक्टिव रेज है ना, इसको हम एक एनर्जी मान के चलते हैं इस न्यूक्लियर बैटरी में। तो इस बैटरी में होता यह है कि हमें एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट चाहिए, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रोंटियम 90, और इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट को इस बैटरी में एक साइड में रखा जाता है, और दूसरी साइड में रखा जाता है कोई भी सेमीकंडक्टर, जैसे सिलिकॉन हो गया। जब इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डीके होता है तो इससे बीटा रेज निकलती है, और इन बीटा रेज के पास में इलेक्ट्रॉन होता है, और यह बीटा रेज इस सेमीकंडक्टर से टकराती है, और यह सेमीकंडक्टर इन रेडियो एक्टिव रेज को इलेक्ट्रिसिटी में बदल देता है। बस यही सिंपल सी कहानी है इसकी, और इसी कहानी को बोलते हैं बीटा वोल्टिक कंसेप्ट। सेम उसी तरीके से जैसे हमारे सन से हमें जो रेज मिलती है उनको सोलर पैनल इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल देते हैं, और यह इलेक्ट्रिक पैनल्स कैसे सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलते हैं उसके लिए आप इस वाले वीडियो को देख सकते हो। लेकिन अभी यह जो बीटा रेज है यह हमारे लिए वैसे खतरनाक है, क्योंकि यह हमारी बॉडी के कॉन्टेक्ट में आ गई तो बॉडी के सेल्स को भी डैमेज कर सकती है। इसलिए इस बैटरी के चारों तरफ एल्यूमिनियम की कोटिंग कर दी जाती है, क्योंकि यह बीटा रेज एल्यूमिनियम को क्रॉस नहीं कर सकती है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि यह बैटरी हमारे लिए सेफ है, इसे हमें कोई भी नुकसान नहीं है। अब हमें ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट चाहिए जिनके पास में बीटा रेज होती है, क्योंकि बीटा रेज में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी में बदल जाते हैं, जैसे निकेल 63, स्ट्रोंटियम 90, प्लूटोनियम 230, और इसके अलावा सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका जो वेस्ट है वह है। तो यार यह कोई वैसे नई टेक्नोलॉजी नहीं है, पर इतने दिन हमारे पास में इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का सही तरीका नहीं था। जैसे पुराने टाइम में जो कंपनी पेसमेकर बनाती थी वह इस न्यूक्लियर बैटरी को काम में लेती थी। वैसे पेसमेकर होता है जब किसी पर्सन का हार्ट कमजोर हो जाता है, तो यह पेसमेकर उसको सपोर्ट करता है और जो हार्ट बीट है उसको कंट्रोल करता है। तो इस पेसमेकर को हमारी बॉडी में हार्ट के पास में इंस्टॉल किया जाता है। अब हमको एक ऐसी बैटरी चाहिए थी जो इस पेसमेकर को लॉन्ग टाइम के लिए पावर दे सके, क्योंकि बैटरी डाउन हो गई तो बार बार तो हम ऑपरेशन करवा कर बैटरी बदलवा नहीं सकते। तो न्यूक्लियर बैटरी का यूज इस पेसमेकर में किया गया, लेकिन इसकी बैटरी की लाइफ ज्यादा होने की वजह से जब उस पर्सन की डेथ हो जाती थी जिसमें यह पेसमेकर लगा होता था, तो डेथ के बाद में जो बैटरी में बची हुई एनर्जी थी वह एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि यह जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है यह कई हजार सालों तक रेडियो एक्टिविटी एनवायरनमेंट में फैलाता रहता है। इसलिए पेसमेकर में आज के टाइम में लिथियम आयन बैटरी यूज में ली जाती है। जैसे नासा ने अभी अपना रोवर मार्स पर उतारा था, तो उसमें प्लूटोनियम 238 को लेकर न्यूक्लियर बैटरी बनाई थी जो 14 ईयर्स तक उस रोवर को सप्लाई देगी। तो कहने का मतलब इस बैटरी को हम उन जगह पर यूज में कर सकते हैं जहां पर हमें लॉन्ग बैटरी बैकअप चाहिए होता है और जिसको हम बार बार बैटरी को बदल नहीं सकते। अभी यहां पर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है उसकी अलग अलग लाइफ होती है, किसी की 100 ईयर, किसी की 50 ईयर। तो पुराने टाइम में निकेल 63 को काम में लिया जाता था न्यूक्लियर बैटरी में, लेकिन आज के टाइम में इसको यूज में नहीं लिया जाता है। तो यह जो टेक्नोलॉजी है डेवलप होती गई, और अब जो हमारे पास में न्यू टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से उसकी लाइफ 28,000 ईयर्स तक की है, और यह भाई कोई मजाक नहीं है, रियलिटी है, और ऐसा एक्सपेरिमेंट भी हो गया है। और इस बैटरी का नाम है नैनो डायमंड बैटरी, यानी NDB, और जिस कंपनी ने इसको बनाया है उस कंपनी का नाम भी NDB ही है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बैटरी को वेस्ट मटेरियल से, यानी कचरे से बनाया गया है, और यह वेस्ट मटेरियल है न्यूक्लियर पावर प्लांट का। न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक न्यूक्लियर रिएक्टर लगा रहता है, और इस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर यूरेनियम को रखा जाता है, और जब इस रिएक्टर में यूरेनियम की फीजन की प्रोसेस शुरू होती है
वैसे मैंने न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में कोई अलग वीडियो नहीं बनाया है, आप कहोगे तो मैं बना दूंगा, लेकिन इसको थोड़ा सा और आसान समझने के लिए आप यह वाला वीडियो देख सकते हो। इस न्यूक्लियर बॉम्ब की प्रोसेस भी न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसी ही है, बस थोड़ा सा जो फर्क है वो मैंने वीडियो में बात की है। तो न्यूक्लियर फीजन की प्रोसेस जब शुरू होती है तो वहाँ पर चेन रिएक्शन होता है इस रिएक्टर के अंदर, और इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए ग्रेफाइट की रोड को काम में लिया जाता है, जो कि एक मॉडरेटर है। और यह जो ग्रेफाइट के ब्लॉक्स होते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, यह बहुत बड़े बड़े होते हैं। अब जो यूरेनियम है वह एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो यह ग्रेफाइट इस यूरेनियम के कॉन्टेक्ट में आने से यह भी रेडियो एक्टिव बन जाता है। अब जब इस ग्रेफाइट को वेस्ट मटेरियल के तौर पर बाहर निकाला जाता है तो इसको हम खुला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यह कई हजार सालों तक अपनी रेडियो एक्टिविटी एनवायरनमेंट में फैलाता रहेगा, जिसका साइड इफेक्ट भी बहुत है। तो इसको एक कार्बन की कोर के अंदर पैक किया जाता है और फिर एक सेफ जगह पर रख दिया जाता है। तो यह जो वेस्ट है यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, क्योंकि इसका करे क्या, यह सबसे बड़ी समस्या है। तो साइंटिस्ट ने यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त दिमाग लगाया और सोचा कि यह जो ग्रेफाइट है इसके पास में रेडियो एक्टिव रेज है, इसका मतलब इसके पास में एनर्जी तो है, तो क्यों ना हम इस रेडियो एक्टिव रेज को ही डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में बदल दे, तो हमें कोई न्यूक्लियर रिएक्टर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब साइंटिस्ट ने इस ग्रेफाइट को सही से देखा तो इसमें हमें दिखा कार्बन 14, और इस कार्बन 14 को इस वेस्ट से बाहर निकाला, और लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर जब यह अपनी गैस फॉर्म में होता है तो इस कार्बन 14 को बदल दिया गया डायमंड के अंदर। अब यह जो डायमंड है यह हमारे नॉर्मल डायमंड जैसा नहीं है, यह रेडियो एक्टिव डायमंड है। तो यह जो कार्बन 14 है ना, इसके पास में एक बीटा डिकेइंग इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इस डायमंड के अंदर यह कार्बन 14 ही है जो एनर्जी सप्लाई करेगा, और यह जो कार्बन 14 है ना, इसकी हाफ लाइफ 5700 ईयर्स तक की है, तो यह इतने साल के बाद में तो अपनी हाफ एनर्जी ही रिलीज कर पाएगा। शायद यह आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा, लेकिन डोंट वरी, हमें बैटरी बनानी नहीं है, बस हमें देखना है कि यह काम कैसे करती है। अब यह डायमंड तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो इसके बाहर की तरफ छोटे छोटे नैनो डायमंड से नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट से कवर कर दिया जाता है, इसलिए इस बैटरी का नाम है नैनो डायमंड बैटरी। अब यह जो बाहर की तरफ जो नैनो डायमंड है, यह जो अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट कार्बन 14 की रेडियो एक्टिव रेज की जो एनर्जी है उसको बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसके बाद में इस बैटरी को हार्डेस्ट नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट से पैक कर दिया जाता है ताकि कोई भी रेडिएशन बाहर की तरफ ना आए, जिससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि यह बैटरी ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट करती है, क्योंकि जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट की लाइफ खत्म हो जाएगी तो उसमें कुछ भी नहीं बचेगा, तो यह एनवायरनमेंट में पूरा डिजोल्व हो जाएगा, एकदम सेफ होगा हमारे लिए। लेकिन इस बैटरी में अभी कुछ प्रॉब्लम्स भी है। इस बैटरी के ऊपर ही देख सकते हो, इसके ऊपर लिखा है इसकी पावर कैपेसिटी जो है अभी बहुत कम है, 100 माइक्रोवाट। पर यह बैटरी कोई बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, साइज में बहुत ही छोटी सी बैटरी है, तो हमारे स्मार्टफोन, लैपटॉप, वॉच या फिर जो भी मेडिकल इक्विपमेंट है जैसे पेसमेकर, इनके लिए बहुत ही फिट है ये। अब यह जो NDB कंपनी है, इसका तो यही टारगेट है कि 2023 तक यह कमर्शियली अवेलेबल हो जाएगी, जिसमें यह स्पेस मिशन, सैटेलाइट इनमें यूज करने लग जाएंगे, और जब यह कमर्शियली यूज होने लग जाएगी तो कुछ टाइम में हमारे पास में भी बहुत जल्दी आ जाएगी, और इस बैटरी की कॉस्ट भी ज्यादा नहीं होने वाली है, और यह हमारे लिए एकदम सेफ है, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है इसका। लेकिन अभी मैंने कहा कि इस बैटरी की पावर कैपेसिटी अभी कम है, तो जब यह सही तरीके से मार्केट में आ जाएगी तो हमारे जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनको हमें व्हीकल की कंप्लीट लाइफ में कभी चार्ज नहीं करना पड़ेगा। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है जिनमें यह बैटरी लगी हुई है, तो यदि कभी ग्रिड की पावर सप्लाई में कमी पड़ जाती है तो यह कार की बैटरी को हम ग्रिड से जोड़कर ग्रिड में सप्लाई भी कर सकते हैं। अब यह जो नैनो डायमंड बैटरी है, यह एक न्यूक्लियर एनर्जी का ही पार्ट है, लेकिन ऐसी बैटरी अभी अवेलेबल है जिसमें किसी और रेडियो एक्टिव एलिमेंट को लेकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है, और उनकी लाइफ भी बहुत ज्यादा है, जैसे मैंने नासा के रोवर का आपको एग्जांपल दिया था, पर वह अभी हमारे पर्सनल यूज के लिए नहीं है, सिर्फ कमर्शियल यूज के लिए ही है। लेकिन यदि यह टेक्नोलॉजी सही से डेवलप हो गई तो आने वाले 10 सालों के अंदर हमारे पास में पहुंच जाएगी। तो यार, आपको क्या लगता है, इस बैटरी का बेस्ट यूजेस क्या है, और क्या यह बैटरी फील्ड में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है, कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ में चैनल पर भी विजिट जरूर कीजिएगा, आपको बहुत सारे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।